हरियाणा के रेवाड़ी जिले के गांव जाटूसाना की सरपंच के पति मनोज की दबंगई का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें सरपंच पति अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर गांव के ही एक युवक को बुरी तरह पीट रहा है। उसे छुड़ाने आई महिलाओं के साथ भी अभद्रता की गई। पीड़ित परिवार ने सबूत के तौर पर वीडियो देकर पुलिस से कार्रवाई की मांग की, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित को धमकाकर वापस भेज दिया। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद डीएसपी कौसली जयसिंह ने सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल कोसली कस्बा के अधीन आने वाले गांव जाटूसाना में 4 से 5 युवक हाथ में लाठी डंडे और रॉड लेकर सरेआम गांव में दबंगई दिखाकर एक युवक को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। कॉलर पकड़कर दूसरे व्यक्ति को मारने वाला वर्तमान में जाटूसाना सरपंच संजोगिता का पति मनोज यादव बताया जा रहा है। पीड़ित विनोद ने बताया कि उनके घर के आगे से पंचायत द्वारा गली बनाई जा रही है, जिसका निर्माण सही नहीं हो रहा। इस संबंध में उसने मोहल्ले वासियों से हस्ताक्षर करवाकर खंड कार्यालय में शिकायत दे दी, इसी कारण हमला किया गया है। ये 10 बंदे थे जो डंडे वगैरह रोड वगैरह लेके आए हुए थे, और हम तो उसको छुटाने में लगे हुए थे। उसकी गर्दन को दबा दिया और एक हाथ में सिरिया लिया हुआ था और हथियार लिए हुए थे, और बोला कहीं भी रिपोर्ट की, पुलिस भी नहीं आने वाली है, कितने भी फ़ोन कर लो चाहे कुछ भी कर लो, कुछ भी होना जाना नहीं है, और ज़्यादा करोगे तो हम आप लोगों को जान से मार देंगे। जब भी आपको अच्छा लगे उसी दिन बता देना, उसी दिन गोली निकाल देंगे आपके अंदर से। किसका कहना है, सरपंच का कहना है? सरपंच का कहना है, और जो उसके साथ एक बड़े बड़े बाड़ों वाला था वो भी बोला, हाँ वो उसके साथ था। उसी ने सबसे ज़्यादा, उसने सरपंच ने भी और उसने भी, दोनों ने बहुत ही ज़्यादा बदमाशी की है और जान से मारने की धमकी दी है। गांव के अंदर भय इस चीज़ का है कि जब वो सरपंच बना है तो उसने सबको पैसे देके वोट सीट्स ली थी, और इस बलबूते पे वो सरपंच बना था, इसलिए गांव के जो भी बंदे हैं जिनके घरों में पैसे गए वो बंदे उसके खिलाफ मतलब गवाही देने नहीं चाहते और देते भी नहीं, उन पैसों की वजह से देना नहीं चाहते और देते नहीं। हाँ, सरेआम नजर आ रही है, वो अपना तानाशाह ही चला रहा है। कोई ऐसा नहीं था गांव में, जब पाइप पानी का जो पाइप था वो खराब हो गया, खराब होने की वजह से उसने एक सप्ताह तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। सब मोहल्ले वालों को पानी की दिक्कत थी, इसलिए उन्होंने 50-50 रुपये इकट्ठे करके और जो वो पानी का पाइप ठीक करा के तब लोगों के घरों में पानी गया। अगर सरपंच अपनी ड्यूटी सही से नहीं कर रहा, वो बहाने बना रहा है कि गली के गलत है, कोई मैटर नहीं था इसका गली मोहल्ले का, अचानक से वो आया है, उसने रणनीति बनाई है और उसको जान से मारने की सोच रहे थे वो तो। बीच में काफ़ी लोग आ गए, वीडियो वगैरह बनाने लगे, इससे वो थोड़ा बहुत उनके बीच में वो बचाव हो गया, नहीं तो वो उसको जान से मार के जाते। आपके पास किस प्रकार की हरकत की उन्होंने? वहाँ हमारे पास हरकत की, जैसे हम उनको छुटा रहे थे हमारे ऊपर वो अश्लील हरकतें भी कर रहे थे और हमें धक्के भी मार रहे थे। और वो क्या कार्रवाई की? पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, हम पुलिस के पास फ़ोन करते रहे, उन्होंने क्या नाम है ना तो फ़ोन उठाया और ना ही आए, वो उस टाइम तक कुछ भी नहीं आए। उन्होंने 1-2 घंटे तक वो मारपिटाई करके और पूरा गांव देखता रहे, सब वीडियो बनाते रहे और वो चले गए। दूसरे दिन जब हम पुलिस में गए हैं तो उन्होंने दोष दिखाई है कि हमारे पास आने की जरूरत नहीं है, आकर आप ऊपर जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई किसी प्रकार का मेडिकल नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर मैं अपने घर पे काम कर रहा था, सरपंच 10-12 गुंडे लेके आया, उनके हाथ में लाठी डंडे राड थी और मुझे घर से खींच के लेकर आए, चौक में लाकर मेरे साथ मारपीट करने लगे और मेरे को काफ़ी वहाँ पीटा, किसी ने नहीं छुटाया, सब लोग वीडियो बना रहे थे, तमाशा देख रहे थे, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की। थाने की 2-2 गाड़ियाँ आ गई, थाने वालों के सामने मुझे गाड़ी में घेर के गाँव से बाहर ले गया, वहाँ उसके साथ एक लड़का था जो वीडियो में दिखाई दे रहा बड़े बड़ा वाला, उसने मेरे रिवाल्वर लगाई, बोला 2 दिन में तेरे पूरे खानदान को ख़त्म कर देंगे, अगर ना कोई कार्रवाई की या किसी के पास गया तो जान से मार देंगे तेरे को। और सर किसी तरफ से क्या कार्रवाई की? सर पुलिस की तरफ से मेरी माताजी कल गई थी थाने में, मेरी तो कंडीशन ख़राब थी, तो ना एक राजेश आईओ था, वो बोला कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई मेडिकल नहीं है, कुछ नहीं है, और अपने घर चली जा, नहीं तो उठा के बंद कर दूंगा थाने में तेरे को भी, तेरे लड़के को भी, और तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई कर दूंगा। क्या कार्रवाई की पुलिस ने? कोई कार्रवाई ना कही, मैं कल गई, मेरा से धमकी भी दी से उन्हें, बोल के कर लेगी तू, केस है तेरी रिपोर्ट, कुछ रिपोर्ट नहीं से या अपना लड़का ने बुला ले, दोनों वहाँ का सामने बैठ कर फैसलो करवा देगा, मैं फैसलो चाहूँ को ना, मैंने दरखास्त दे रखी से, मेरी पर कार्रवाई करो तो आपकी मर्जी से, भाई लड़को मेरे बीमार से बाव हो नहीं गई गई आज। क्या कहती है पुलिस? नुका सामना लड़का को लाओ। अच्छा, तो लड़का को जब हालात ना था लेने का तो कितना ले आऊं बताओ, लड़का के हालात नहीं थी तो कितना ले आऊं? किसी और बड़े अधिकारी से मिले जाके?
अभी तो ना गया मिलांगा ही, जब पुलिस नहीं करेगी तो मिलांगा, और सरपंच या धमकी दे से प्रशासन मेरे कुछ ना कर सके। देखिए अभी मुझे मालूम और आपने बताया मुझे कि इस तरह का एक वीडियो वायरल हो रखा है, जो अब इस वीडियो को मैंने देखा भी है, जो अभी मैंने फ़ोन किया उसके बाद वहाँ के थाना के SHO को, जो उन्होंने बताया कि जी हम जल्दी इस पर कार्रवाई कर देंगे। जो आरोपी हैं, पीड़ित है, वो कह रहे हैं कि हम 3 दिन से चक्कर काट रहे हैं लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही, आखिरी में हमें या तो DSP साहब के पास जाएंगे, SP साहब के पास जाएंगे, तो किस प्रकार का आश्वासन उन लोगों को देंगे? हाँ देखिए, मेरे पास अब तक वो आए नहीं है, लेकिन जैसे ही वो आएंगे मेरे पास, मैं भी जो मेरे जो थाना जो स्टाफ उनको मैं बिल्कुल डायरेक्शंस दूंगा, और मैंने उनको फ़ोन भी कर दिया इस बारे में कि भाई वो इस बारे में उचित स्टेप उठाएं। इस तरह की गुंडागर्दी करते सरपंच नजर आ रहे हैं, जो सरपंच पति हैं वो सरपंच पति हैं, तो गुंडागर्दी करते नजर आ रहे, काफ़ी लोग भी साथ लेके आए, लाठी डंडों से पिटाई भी कर रहे हैं। इस बारे में जाँच की जाए कि भाई ये जो बाहर के लोग हैं या गाँव के लोग हैं या उनके परिवार के लोग हैं, तो किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? जो उचित धाराओं में जो कार्रवाई बनेगी और जो अग्रेसिव पार्टी है उसे उसी के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।